मेरे अजीज साथियों, मैं कभी यह जुरत नहीं कर पाता कि आशूरे मुहर्रमुल हराम के दर्दनाक वाकयात को पेश कर सकूं। मैं खुद सतापा गिरिया बन जाता हूं, इसलिए मैं किसी और वक्त के लिए उसे छोड़ देता हूं। आज मैं सिर्फ ये पूछना चाहूंगा आपसे कि इमाम हुसैन ने यह अजीम कुर्बानी क्यों दी थी और आप उस कुर्बानी का क्या हक अदा कर रहे हैं। रिवायात के मुताबिक यजीद के हाथ में क्यों नहीं बैत की थी, इसलिए कि वो शराब पीता था ना, वो नाचो रंग में मसरूफ था, वो हुल्लत हिल्लत हुरमत के जाब्तों को तब्दील करना चाहता था। यही बातें हैं ना। तो अब अगर मुसलमानों में कोई शराबी है तो बताओ वो हुसैनी है या यजीदी है, कोई बेनमाजी है वो हुसैनी है या यजीदी है, कोई नाच और रंग का देखने वाला है तो हुसैनी है यजीदी है, कोई हराम और हलाल की परवाह नहीं करता तो वो हुसैनी है यजीदी है। ए हुसैन के नाम पे जमा होने वालों, कसम खाओ कि हम हुसैनी बनेंगे, यजीदी नहीं बनेंगे। उसके लिए तुम्हें नमाज पढ़नी होगी। हुसैन ने बच्चों की लाशें देकर नमाज पढ़ी है, ज़ैनब ने बच्चों की लाशें देकर नमाज पढ़ी है, तुम्हें नमाज पढ़नी होगी। बुराइयों से बचना होगा, हलाल का एहतमाम करना होगा, हराम से परहेज करना होगा, नाच रंग और दुनिया की तमाम बुराइयों से परहेज करना होगा, शराब और हर नशे से अपने दामन को बचाना होगा। अगर तुम ऐसा करोगे तुम्हें हुसैन की जन्नत मिलेगी।